दोस्तों मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं दर्शन द्वार के एक और शानदार एपिसोड में। आज आ रखे हम बीएचएल, ठीक है, जिस मंदिर पे आ रखे हैं वो मंदिर पहाड़ों के बीच में है। मंदिर का नाम है सुरेश्वरी देवी, ठीक है। देख सकते हैं आप ऊपर से ज़्यादा है ही है, कम से कम 500 सीढ़ियाँ होंगी, ठीक है। उनको चढ़ने के बाद में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो चलिए आइए। अभी हम हैं मेन एंट्री गेट पे, आप पीछे देख सकते हैं मेन एंट्री गेट है, ठीक है। जिक्र इसका स्कंद पुराणों में भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इस पे लिख रखा है स्कंद पुराण सिद्धपीठ श्री सुरेश्वरी देवी मंदिर द्वार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं होगा, मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज तो है नहीं ग्रंथों के बारे में, बट कहीं ना कहीं पुराणों में इसके जिक्र जरूर होगा। तो उसी के द्वारा हम कर सकते हैं इसमें एंट्री। आइए, कोई तो चलो हम करते हैं अब इसमें एंट्री, और एंट्री करते करते हम सीधा चलते हैं और मैं बताऊंगा अपने द्वारा आपके साथ। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है, जस्ट एंट्री गेट हमारे सामने ही है। आप ये एंट्री गेट है, यहाँ से कुछ स्टेयर्स हैं, मतलब सीढ़ियाँ हैं, इनको हम चढ़ के हम ऊपर पहुँचेंगे, ठीक है। तो अभी हम मंदिर के अंदर एंटर हैं, मेरे साथ में है मेरा भाई अंकित और हम दोनों ही साथ में आए थे और अभी हम चल रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, जय माता की, और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, हमारी भी करे, और जल्दी जल्दी बन के कराए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। तो जब एंट्री करते हैं, हमने लगभग 10-15 ही सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, और 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर आ गए हैं। ये सुरेश्वर महादेव का मंदिर है, शिवलिंग है, और इधर कुछ है स्टेटू में। तो सबसे पहले हम इसमें एंट्री कर लेते हैं। जय हो महादेव, महादेव, महादेव। ये है महादेव, सुरेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पे। तो चलिए हम अभी दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद थोड़ा मैं बाहर से लोटा ला के जल चढ़ा लेता हूँ, और जल चढ़ाने के बाद में आपसे मिलता हूँ और आगे का दर्शन कराता हूँ। चलिए बहुत अच्छी है, और ज़्यादा दूरी पे नहीं है, अगर देखा जाए तो बीएचएल के अंदर ही है, और बीएचएल के अंदर 2 किलोमीटर पहाड़ों के अंदर है, और काफ़ी अच्छी खूबसूरती है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे वो मतलब कर रखा है, और ये विश्राम का भी अच्छा व्यवस्था कर रखा है यहाँ पे। जब शायद यहाँ पे कुछ हवन या गया भंडारा होता होगा तो उसी के अंदर शायद होता होगा। और इससे ऊपर भी एक है माँ काली, माँ चामुंडा देवी और माँ काली देवी का मंदिर है ऊपर, तो अब हम वहाँ पे भी चलेंगे माँ काली के दर्शन करने, जो कि ऊपर की तरफ मंदिर है। थोड़ा सा साइड और यहाँ से ही चालू हो जाता है माँ काली के लिए ऊपर जो मंदिर है उनके मंदिर के लिए रास्ता, ठीक है। तो अभी मैं भी पहली बार आ रहा हूँ इस जगह, और नाम मैंने काफ़ी सुना था अपने दोस्तों से, और काफ़ी मौका लगा नहीं, हालांकि मैं 10-12 साल से, बल्कि 15-16 साल से ही हरिद्वार में रह रहा हूं, और दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा कि मैं आज तक यहां नहीं आ पाया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अभी हम एंट्री करते हैं। जय
जय माँ काली। तो यहाँ से सीढ़ियाँ चालू हो जाती हैं टेढ़ी मेढ़ी, और लोकेशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे ना, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ बहुत खूबसूरत है ना ना। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ लोग आते हैं हरिद्वार तो आते हैं, पर हरिद्वार के आसपास के कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में सिर्फ स्थानीय लोग ही जानते हैं, काफ़ी दूर के लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो आते हैं दर्शन करने, और जो नहीं जानते हैं वो नहीं आ पाते। तो हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर का काम ही यही है कि ऐसी ऐसी जगह जाके एक्सप्लोर करें और ऐसे ऐसे तीर्थ धामों को, तीर्थ मंदिरों को प्रमोट करें, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। तो ऐसे ही सारा कुछ रहता है भाई। और यहाँ से अगर मैं व्यू की बात करूँ तो व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई, चारों तरफ का मैं दिखा सकता हूँ। बस ये आगे है ऊपर माँ का मंदिर, ये मंदिर है, बाकी चारों तरफ का व्यू बहुत अच्छा है। नीचे व्हीकल खड़े हैं वो, और ये ही है वो, ये माँ सुरेश्वरी देवी का मंदिर है। ये हमारे साथी समर्थन भाई बंधु सखे खड़े। तो चलो यार अब चलते हैं माँ काली के भी दर्शन करते हैं, और करने के बाद में आपको भी कराते हैं। माता के दर्शन करके ऊपर काली माँ का भी दर्शन किए हमने, और यहाँ हमने अभी रुद्राक्ष का पेड़ भी देखा। और अभी देखिए मतलब हम पहली बार आए तो इसलिए हालांकि कोई वो मतलब इतनी सारी कुछ चीज़ें पता नहीं थी। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, आप कभी आए हैं या नहीं आए हैं, या इसके मंदिर के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं पता था, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में और किसी और नए मंदिर के साथ दर्शन करते हुए, ठीक है, चलिए बाय बाय।